एल ऑफ सिक्स एंड एट कैसे फाइंड करते हैं अभी हम सीखेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों इन दोनों को एक साथ लेते हैं और फिर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं तो हम टू से शुरुआत करेंगे तो देखिए टू का इसमें डिवाइड किया तो कितने टाइम थ्री टाइम गया इसमें डिवाइड किया तो फ़ोर टाइम अगेन टू से देखते हैं ये तो आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है ये आपका टू से टू टाइम डिवाइड हो गया अगेन टू से देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसको जैसा है वैसा लिख दो ये आपका वन टाइम हो गया अब देखो जहाँ पे वन आ गया मतलब उस लाइन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया अब बचा कौन थ्री थ्री आपका थ्री से वन टाइम डिवाइड होगा और ये वन जैसा है वैसा तो आपका एलसीएम क्या आ गया इन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे देखो टू का आपका थ्री टाइम मल्टीप्लाई और फिर थ्री का मल्टीप्लाई तो यहाँ पे एट मल्टीप्लाई थ्री कितना ट्वेंटी फोर आ रहा है कैसी बाई सुरेंद्र खिलेरी एल सी एम आपका क्या होता है ऐसा नंबर छोटे छोटी ऐसी संख्या जो कि इससे भी कंप्लीट डिवाइड होगा इससे भी कंप्लीट डिवाइड होगा आप चेक कर सकते हैं ट्वेंटी फोर को आप सिक्स से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा चार बार डिवाइड होगा 24 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा थ्री टाइम डिवाइड होगा ठीक है